जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखकर अपने देश को आपका सहयोग दे रहे हैं। मैं नीलम आमी पब्लिक स्कूल अंबाला की ओर से आज जिस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह विषय है वर्ण विच्छेद। यह विषय दो भागों में बनाया गया है, तो पेश है वर्ण विच्छेद भाग एक। वर्ण विच्छेद दो शब्दों को जोड़कर बना शब्द है, वर्ण अर्थात अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और विच्छेद विच्छेद होता है अलग अलग करने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार वर्ण विच्छेद का संपूर्ण अर्थ हुआ वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। वर्ण विच्छेद की परिभाषा। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द यानी वर्णों के सार्थक समूह को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए शब्द देखिए, अमन, इसका वर्ण विच्छेद होगा अ, धन म, धन अ, धन न, धन अ। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है कि यहाँ जो स्वरों के अलावा जो व्यंजन है जैसे म और न, इनके पैर के नीचे एक निशान है, उस निशान इस चिन्ह को हलंत कहा जाता है। और ये तब आता है जब हमें यह दर्शाना हो कि दिया गया व्यंजन आधा है अर्थात स्वर रहित है। इस प्रकार जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वरों को छोड़कर बाकी समस्त वर्णों के नीचे इस हलंत चिन्ह को लगाया जाता है। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है, वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को जो कि वर्णों का समूह है उन्हें अलग अलग करना है। दूसरे शब्दों में स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें स्वरों की मात्राओं, स्वर चिन्हों की जानकारी होना आवश्यक है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं, अ, इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती, पर हिंदी व्यंजनों को बोलने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या हम ये कहें कि हिंदी के सारे व्यंजन इसकी सहायता से ही बोले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यदि क का उच्चारण करते हैं तो शुरुआत में तो बेशक क की ध्वनि होती है लेकिन अंत हमेशा अ से ही होता है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक, इसमें अ निहित होता है, प्रत्येक व्यंजन के पीछे अ निहित होता है। इसी प्रकार अगला स्वर देखें आ, अगर क के साथ इन सारी मात्राओं को लगाया जाए तो उनका उच्चारण कुछ इस प्रकार होगा, क, का, की, कु, क्रि, के, कै, को। वर्ण विच्छेद करने के नियम। पहला नियम, वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर जैसे अ, आ, ई आदि को प्रयोग में लाया जाता है जिसकी वह मात्रा होती है। उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास शब्द है निधि, तो इसका मात्रा विच्छेद होगा न, धन, इ, धन,
ध धन ई। निधि शब्द का जब हमने वर्ण विच्छेद करना है तो वह इस प्रकार से होगा, न धन ई धन ध धन ई। यदि आप पेपर में शब्द का मात्रा विच्छेद करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मात्रा विच्छेद नहीं करना, हमें वर्ण विच्छेद करना है और वर्ण विच्छेद करने के ही हमें अंक प्राप्त होंगे। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण, अ स्वर के उदाहरण, कलम का वर्ण विच्छेद होगा, क धन अ धन ल धन अ धन म धन अ। अगला उदाहरण देखें, कथन, इसका वर्ण विच्छेद होगा, क धन अ धन थ धन अ धन न धन अ। यहाँ आप देख रहे हैं कि अ स्वर व्यंजन में अंतर्निहित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ स्वर का कोई स्वर चिन्ह अर्थात मात्रा नहीं होती। आ स्वर के उदाहरण, पहला शब्द नाना, वर्ण विच्छेद, न धन आ धन न धन आ। अगला शब्द पाप, वर्ण विच्छेद, प धन आ धन प धन अ। ई स्वर के उदाहरण, किताब, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि आपको शब्द को देखकर वर्ण विच्छेद नहीं करना, आपको शब्द को उच्चारण कर उसके बाद उसका वर्ण विच्छेद करना है, क्योंकि यदि हम किताब को देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि ई की मात्रा पहला अक्षर है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। पहला अक्षर, पहला जो इसमें वर्ण है वो क है, इसलिए वर्ण विच्छेद का जो आधार है वो उच्चारण होता है। इसलिए पहले शब्द का उच्चारण करें, उसके बाद ही उसका वर्ण विच्छेद करें। तो यहाँ पर किताब शब्द में क शब्द क जो वर्ण है वो उसकी ध्वनि पहले आ रही है, इसलिए इसका वर्ण विच्छेद होगा क धन ई धन त धन आ धन ब धन अ। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, दीवार, वर्ण विच्छेद, द धन ई धन व धन आ धन र धन अ। ई स्वर के उदाहरण, पहला शब्द तीर, वर्ण विच्छेद होगा, त धन ई धन र धन अ। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखें, कहानी, वर्ण विच्छेद, क धन अ धन ह धन आ धन न धन ई। उ स्वर के उदाहरण, पहला शब्द चतुर, वर्ण विच्छेद, च धन अ धन अ त धन उ धन र धन अ। अगला शब्द अनुमान, वर्ण विच्छेद, अ धन न धन उ धन म धन आ धन न धन अ। उ स्वर के उदाहरण, पहला शब्द चूक, वर्ण विच्छेद, च धन उ धन क धन अ। अगला शब्द दूर, वर्ण विच्छेद, द धन उ धन र धन
री स्वर के उदाहरण, पहला शब्द गृह, वर्ण विच्छेद ग धन री धन ह धन अ। अगला शब्द अमृत, वर्ण विच्छेद अ धन म धन री धन त धन अ। ए स्वर के उदाहरण, पहला शब्द खेल, वर्ण विच्छेद ख धन ए धन ल धन अ। अगला शब्द बेकार, ब धन ए धन क धन आ धन र धन अ। ए स्वर के उदाहरण बैठक, ब धन ए धन ठ धन अ धन क धन अ। अगला शब्द है तैयार, इसका वर्ण विच्छेद होगा त धन ए धन य धन आ धन र धन अ। ओ स्वर के उदाहरण सोना, स धन ओ धन न धन आ। अगला शब्द कोयला, वर्ण विच्छेद क धन ओ धन य धन अ धन ल धन आ। अगला स्वर औ, उदाहरण कौशल, विच्छेद क धन औ धन श धन अ धन ल धन अ। अगला उदाहरण सौभाग्य, स धन औ धन भ धन आ धन ग धन य धन अ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया हो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।